बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं कलेजी बनाने जा रही हूँ। कलेजी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी नोट करते हैं। कलेजी 1 किलो, प्याज, प्याज के साथ हरी मिर्च 2 कटी हुई और 1 साबित, हरा धनिया, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लेमन जूस और तेल। मसालों में चाहिए होगी कुटी लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया सूखा, ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ और कसूरी मेथी और गरम मसाला और नमक। कढ़ाई मैंने रख दिया 2 चम्मच के बराबर। ऑयल डाल रही हूँ मैं तकरीबन। ऑयल गर्म होगा तो प्याज डालूंगी। तेल गर्म हो चुका और मैं प्याज डाल रही हूँ। लोग प्याज नहीं डालते, लहसुन डालते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मसाला चाहिए इसलिए मैं प्याज पहले डाला है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप पहले लहसुन को भून लें, तो हल्का सा ब्राउन कर लें। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच। इसको थोड़ा सा भूनूंगी इसमें। इसके साथ ही मसाले डालूंगी, ये धनिया, जीरा, ये कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च पसंद नहीं है तो आप किसी भी डाल सकते हैं। टमाटर डालूंगी अभी। टमाटर को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें कलेजी डाल दूँ। नमक मैंने अभी नहीं डाला, नमक लास्ट में डाल दूँगा। फुल फ्लेम पे इसको भूनेंगे। कलेजी अच्छे से भून गई है। स्टेज पे मैं लेमन जूस डालूंगी। कसूरी मेथी डालूंगी इसमें। और पकने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी। अब मैं नमक डालूंगी इसमें, साथ में कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। अब इसको दम पे रख दूंगी थोड़ी लो फ्लेम पे। लीजिए मज़ेदार कलेजी तैयार है। अब इसमें ये साबित हरी मिर्च डालूंगी, हरा धनिया और गरम मसाला। ये बहुत ही मज़ेदार कलेजी है।
थोड़ा सा मसाला भी है इसके अंदर। कोशिश की है कि घर के मसालों से ही आपको मज़ेदार कलेजी बना के दिखाऊं, और आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी है। लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।